कक्षा 10 विषय हिंदी व्याकरण में 4 चैप्टर पढ़ना है। वाक्य, वाच्य, रस और पद परिचय एक बार पढ़ा चुके हैं, रिवीजन अर्थात पुनरावृत्ति के क्रम में वाक्य का एक बार फिर से हम लोग चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले प्रश्न उठता है, वाक्य कहते हैं किसे? तो शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं, अर्थात वाक्य में एक से अधिक शब्द होते हैं जिसका कि कोई अर्थ होता है, उसे ही वाक्य कहलाता है। वाक्य की विशेषता निम्नलिखित है, वाक्य में प्रयुक्त हर शब्द का कुछ न कुछ अर्थ होनी चाहिए। वाक्य में प्रयुक्त हर शब्द की आपसी संगति होनी चाहिए। वाक्य में पूर्ण अर्थ अभिव्यक्त करने की क्षमता होनी चाहिए। और वाक्य के शब्दों का एक निश्चित क्रम होना चाहिए। सामान्यतः हिंदी में पदक्रम इस प्रकार रखा जाता है, कर्ता, कर्म, पूरक प्लस क्रिया। ये वाक्य की विशेषताएं हुई। वाक्य के दो अंग होते, वाक्य के अंग को दो भागों में बांटा गया है, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य किसे कहते हैं? वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाता है उसे हम उद्देश्य कहते हैं। जैसे राम आम खाता है तो राम के बारे में कहा जा रहा है, अतः राम उद्देश्य हो गया। दूसरा विधेय, उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। राम आम खाता है तो राम उद्देश्य हो गया, आम खाता है विधेय हो गया। कोयल मधुर गाती है, कोयल उद्देश्य हो गया, मधुर गाती है विधेय हो गया। सूरज पूरब में निकला तो सूरज उद्देश्य, पूरब में निकला विधेय। कक्षा 10 में वाक्य रचना के आधार पर वाक्य भेद पाठ्यक्रम में है, तो रचना के आधार पर वाक्य भेद, रचना के आधार पर वाक्य को तीन भागों में बांटा गया है, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। सरल वाक्य एक क्रियापद वाले वाक्य को सरल वाक्य कहते हैं, जिसमें एक कर्ता तथा एक ही क्रिया होती है, ऐसे वाक्य को सरल वाक्य कहते हैं। जैसे आयुष पढ़ रहा है, छात्र परिश्रम पूर्वक पढ़ते हैं, आयुष पुस्तक पढ़ रहा है। तो ये सरल वाक्य हो गया। संयुक्त वाक्य जहां दो या दो से अधिक स्वतंत्र वाक्य किसी योजक या समुच्चय बोधक अव्यय द्वारा जुड़े रहते हैं, ऐसे वाक्य को संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे मेरे पिताजी आ रहे हैं और भाई इंतजार कर रहे हैं, तो यहां पर दो स्वतंत्र वाक्य है, मेरे पिताजी आ रहे हैं, भाई इंतजार कर रहे हैं, और जो है वह समुच्चय बोधक अव्यय है जो दोनों वाक्यों को जोड़ रहा है। तो इस प्रकार
ये संयुक्त वाक्य का उदाहरण हुआ, मेरे पिताजी आ रहे हैं और भाई इंतजार कर रहे हैं। तो वाक्य में किसे कहते हैं, इसकी क्या विशेषता है, वाक्य के कौन कौन से अंग होते हैं, रचना के आधार पर कितने प्रकार के वाक्य होते हैं, सरल वाक्य है, संयुक्ति वाक्य है और मिश्र वाक्य, कल पढ़ाएंगे।